हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 43 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। इसमें हम देखेंगे जीके के 15 क्वेश्चन। उन सभी से पहले आप लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिख दें। प्रश्न पर डरता प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या होगा। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है दोस्तों, परमवीर चक्र का गठन, ठीक है, तो परमवीर भारत में परमवीर चक्र का गठन पूछा जाए तो दोस्तों 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1950 को आपके परमवीर चक्र प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 50 हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या दो, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार शौर्य चक्र नहीं, अशोक चक्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अशोक चक्र आपके। ठीक है, शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार पूछा है तो अशोक चक्र हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या तीन, शक्ति स्थल का संबंध, तो भैया वह किसकी क्या कहते हैं ना समाधि स्थल है जिसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, वह किसका समाधि स्थल है जिसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किस स्थल के नाम से जाना जाता है भैया? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। ठीक है, प्रश्न संख्या चार, निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए राजेंद्र प्रसाद, देखो सबसे पहले राजघाट को देख लेते हैं, तो राजघाट आपके गांधी जी से संबंधित है। फिर आते हैं महाप्रयाण घाट, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। महाप्रयाण घाट जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है भैया? महाप्रयाण घाट आपके संबंधित हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या पांच, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, अभी देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। गोदान बिल्कुल लिखी हुई है, रंगभूमि बिल्कुल, ये भी करेक्ट आंसर है, गबन बिल्कुल, ओके डन, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या पांच देखते हैं। प्रश्न संख्या छह, जगजीवन राम की समाधि का स्थल, जगजीवन राम की समाधि का स्थल अभय घाट, समता स्थल, महाप्रयाण घाट, वीरभूमि। ठीक है, तो जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है उसका नाम है समता स्थल। कौन सा है? समता स्थल। स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम की समाधि का स्थल स्वतंत्रता आपके समता स्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं अगला, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश। तो दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां पर महिलाओं के मत यानी कि वोट लेने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो वो आपके था न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड कहां पर, ये रहा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट चुका। न्यूजीलैंड में आपके सबसे पहले चुनाव में महिलाओं के मत लेने की यानी कि वोट देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या आठ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुए थे दोस्तों, उस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन पूछा है, प्रथम सम्मेलन हुआ था बिलग्रेड यानी कि यहाँ पर तो बेलग्रेड लिखा, बेलग्रेड भी करेक्ट होता, कोई समस्या नहीं, बेलग्रेड या बिलग्रेड में आपके प्रथम सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न संख्या नौ, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश, कागज का आविष्कार और पुस्तक मुद्रित करने वाला। ठीक है, दो प्रश्न आएंगे, कागज का आविष्कार तथा पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन था भैया? कागज का, जहां पर कागज का आविष्कार होगा वही देश सबसे पहले पुस्तक मुद्रित करेगा, वो है चीन, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होगा। प्रश्न संख्या 10, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश शर्मा, भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो राकेश शर्मा थे। नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूरे विश्व में देखा जाए तो मेजर यूरी गागरिन थे, जो कि सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ये सिर्फ भ्रमण करके आए थे, ना कि वहाँ से कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए गए थे। प्रश्न संख्या देखिए 11,
प्रश्न संख्या 11, सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए भैया, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न सबसे पहले यही आएगा। दूसरा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो ग्रहों की गति का नियम दोस्तों पूछा जाए तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, और कॉपरनिकस ने यह कहा था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है। सूर्य कहाँ पर है, सेंटर में है, यानी कि केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख लें हम, तो ये आपके जो सूर्य है ये आपके बिल्कुल एकदम केंद्र में है। ठीक है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन हो जाएंगे भैया, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह देखेंगे हम कहाँ पर है ग्रह। ठीक है, देख लो, ये ग्रह एक यहाँ पर लगा रहा है, एक यहाँ पर लगा रहा है, एक यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर भी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्रह जो है दोस्तों वो आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या करते हैं भैया, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये हमसे पूछा है, और ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी भैया आपके निकोलस कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ये आपके सौरमंडल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं प्रश्न अगला, प्रश्न संख्या 12। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। ठीक है, क्या पूछा है, एक सवाल पहले आया था वहां पर क्या लिखा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति लिखा हुआ था, वो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, यदि नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। परंतु ये क्या होगा, देखो न्यायालय में तो राष्ट्रपति होगा नहीं, न्यायालय में क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक तो नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कानून मंत्री आपके कौन हो जाएंगे भैया, तो भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों आपके ये सवाल आएगा जनगणना से संबंधित, जब भी सवाल आएगा तो एक तो आपको वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा, एक आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो दोस्तों पहला मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं अगली, प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों भारत विभाजन के समय जो आपके गवर्नर थे, जो आपके वाइस राय थे, भारत विभाजन से पहले कौन थे, वाइस राय हुआ करते थे। ठीक है, और वाइस राय का अर्थ दोस्तों क्या होता है, राजा का प्रतिनिधि, वाइस राय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। उस समय राजा के प्रतिनिधि कौन थे, भारत विभाजन से पहले, ठीक है ना, यानी कि भारत के आजाद होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन आपके वाइस राय हुआ करते थे। परंतु जब भारत आजाद हो गया तो किसी राजा के प्रतिनिधि की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, राजा के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती तो उस पोस्ट को क्या नाम दिया जाए, तो उस पोस्ट को वापस नाम दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उस पोस्ट को नाम दिया गया और वो प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रश्न आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।